अब ये देखो, ये सवाल ये कहते हैं कि ये जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड आर मास लेंथ टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट, करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक काम करना है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये इसमें से किसके बराबर होगा। तो ये बात कैसे पता चलेगा कि किसके बराबर होगा? तो एक काम करते हैं, अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले सीधा सीधा पुट करते हैं, डायमेंशन फार्मूला देखते हैं ये किसके डायमेंशन फार्मूला के बराबर है। तो एक्स की पावर क्यू, तो एक्स एक्स की स्क्वायर, एक्स क्या था यार यहाँ, तो एक्स लेंथ था, तो यहाँ आ जाएगा लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या था यहाँ, डब्ल्यू मास था, तो ये मल्टीप्लाइड बाई मास। डिवाइड कर दूँ, वाई की पावर क्यू, वाई क्या था यहाँ पर देखो, वाई था टाइम, मतलब टी की पावर क्यू। और यहाँ जेड क्या था, जेड जो है इलेक्ट्रिक करंट था, तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं एम्पियर लिखता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर फंडामेंटल है ये वाली चीज़। तो ये यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ से तुम, हाँ एक काम करते हैं यहाँ, तो एक टी को अगर मैं नीचे रहूँ और एक टी को मैं ऊपर ले जाऊँ, तो एल स्क्वायर एम, और यहाँ टी ए बचेगा, और एक टी को ऊपर ले जाऊँ तो -2 हो जाए, तो ऊपर बनेगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और नीचे बनेगा ए टी, ठीक है ना। तो ये जो तुम, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद है, तो ऊपर में ये वाला जो डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशनल फार्मूला, वो किसका है भाई, वर्क का है, एनर्जी का है, और जो ए टी है वो चार्ज का है। तो ये जो है वर्क अपान चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल ही तो होता है, तो वर्क अपान चार्ज अपना पोटेंशियल जनरेट कर देता है। तो ये ऑप्शन सही है और ये तीनों गलत हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।